अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं हूँ फाजिल हकड़ो। तो अभी मैं मौजूद हूँ सखर में और आप देख रहे हैं सखर की रमज़ान सीरीज, फूड व्लॉग सीरीज। तो आज हम कवर करने आए मेरे पीछे चाट वाले, दही बड़े वाले, मतलब चाट होता है तो इनकी थोड़ी स्पेशल अलग रेसिपी है। देखते हैं, टेस्ट करते हैं कैसा सीन है, फिर आपको एड्रेस वगैरह रिव्यू वगैरह देते हैं, ठीक है। बाकी थोड़ी बहुत इनसे बातें भी करते हैं, ठीक है। वही पूछ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या हाल है चाचा जी? आप कितने टाइम से चला रहे हैं? 5 साल हो गए हमारे भी। अच्छा, तो आपकी क्या स्पेशल चीज़ है इसमें? ये 12 मसाले हमारे। कौन कौन से ये? मतलब 12 मसाले होते हैं हमारे, दही बड़े हो गए, ये हो गए, पापड़ हो गए, आलू वगैरह हो गए। अच्छा, ये लोग शौक से खाने आते हैं हमारे पास। अच्छा, तो कौन सी मतलब स्पेशल चीज़ कौन सी है जिस वजह से खाने आते हैं लोग? हमारी चटनी जो होती है 12 मसाले वाली। अच्छा, ये मशहूर है, ये है आपकी चटनी? जी सर, ये चटनी होती है हमारी 12 मसाले वाली। सही बात है। तो आपके पास कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? दही बड़े चाट होते हैं, आलू मसाले वाले होते हैं, पापड़ी होती है। रमजान में ये आपका चला में हमारा पैकेज है, रियायती देंगे। अच्छा, उसका टाइम वगैरह क्या? 70 रुपए की प्लेट के 50 करेंगे हम रमजान में। अच्छा, अभी मतलब 70 रुपए की प्लेट चल रही है जी, 50 रुपए करेंगे रमजान पैकेज करेंगे हम। अच्छा, और रमजान में टाइम क्या होता है आपका? रमजान में 3 से ईशा तक होते हैं बस, दोपहर 3 से। अभी अभी का टाइम क्या है? अभी भी यही टाइम है हमारा। अच्छा, रमजान में कोई चेंजिंग नहीं है? नहीं, चेंजिंग नहीं, 3 बजे ही आता। चलो, ये आपकी ज़बरदस्त बात है कि आप पैकेज दे रहे हैं रमजान। रमजान में पैकेज है मेरा। तो ये है पुलिस लाइन के सामने इनका ये, और मैं भी ट्राई करता हूँ, उसके बाद आपको रिव्यू देता हूँ कि आप आएँ खाएँ। और उसके अलावा के ये कह रहे हैं कि इनकी बहुत अच्छी बात लगी, कि कह रहे हैं कि रमज़ान में होगा हमारा पैकेज, मतलब अभी 70 रुपये की प्लेट है, रमज़ान में देंगे आपको 50 रुपये की। और टाइम वगैरह आपने सुन लिया, तो अभी मैं भी खाता हूँ, उसके बाद आपको रिव्यू देता हूँ, ठीक है। मेरे पास आ गई है मेरी प्लेट और इसको खाते हैं, उसके बाद आपको रिव्यू वगैरह दे दें चटनी वगैरह का, कैसे और क्या क्या चीज़ें हैं इनमें मिक्स हैं, ठीक है। सलाद, दही बड़े और है चटनी है इनकी, गाजरे वगैरह सब कुछ। तो ये यार अच्छी है, और रमज़ान के लिए आपको बताएं ऐसी डिशेज होती है खाने के लिए, और खाने को दिल भी करता है। मैंने खा लिया यार, बात ये थी कि ये चीज़ है ना, गरम गरम बंदा खाए ना तो ज़्यादा मज़ा आता है खाने में। अभी थोड़ी ठंड भी है तो ये यहाँ पर गड़े, तो इनका सीन ये है कि ये ठंडी हो गई है। वैसे अगर जायके की बात की जाए ना तो इसमें मज़ा आता खाने में, और अगर बाकी गर्म नहीं थी तो थोड़ा तो लगा कि मतलब गर्म होनी चाहिए थी, तो मज़ा आया खाने में। रेट करते हैं, अभी मैं इसको रेट करूँगा 10 out of 8 ऐड करूँगा, इसलिए कि वो गर्म नहीं थी, बाकी मज़ा था। और रमज़ान में आप आ सकते हैं जो सखर वाले हैं, तो आएँ खाएँ। अभी हम यहाँ पर खड़े हैं, मैंने तो पूरी प्लेट नहीं खाई, बाकी इन्होंने खाई जो मेरे साथ लड़के थे। तो अभी भाई, वैसे तो मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी ये चाट, लेकिन अभी मुझे एक चीज नहीं लगी कि मतलब थोड़ी गर्म नहीं लगी, पूरी प्लेट नहीं खा सका। ठंडी होती है, गर्म है। अच्छा, मुझे ये चीज़ बहुत ही ठंडी है भाई। तो भाई मेरी गलती थी, मतलब ये कह रहे हैं कि ये बहुत ही अजीब ठंडी है, तो ये गर्म नहीं होती, तो ठंडी उस हिसाब से आपको पसंद आएगी। तो अभी हम खड़े थे, मैंने कहा भाई हम जा रहे हैं, तो इन्होंने कहा भाई आप रुकें, आपके लिए चाय मंगवाई है। तो
तो मैंने कहा इतना तकल्लुफ क्यों किया भाई, कह रहे हैं आपकी मोहब्बत है, आप खड़े हो जाए चाय पिए उसके पास जाए, तो खड़े चाय पिए उसके पास। तो इन भाई की मोहब्बत की चाय वाला एक्सेप्ट लेते हैं, चाय का रिव्यू नहीं करेंगे, जो भी हो जैसी भी होगी मोहब्बत वाली है तो अच्छी होगी, ठीक है। भाई ने गाने चलाए हुए हैं और ये वीडियो शूट हो रही है रमजान से पहले, ऐसा ना हो फिर कमेंट करे भाई रमजान है चाय भी पिलाएंगे। तो भाई ये आप रमजान में यहाँ पर नाते चलाएंगे ना, बात आते भाई कह रहे हैं यहाँ पर रमजान में नाते चलाएंगे, अभी गाने चल रहे हैं, गाने नहीं है कवाली है, ये बीबी अभी भी कवाली है और रमजान में नाते हैं भाई। ये दोनों लड़के थे मेरे साथ, अभी मैं था ब्लॉग बनाने में मसरूफ, तो अभी इनको कहा बिल कितना बना, तो इन्होंने कहा 5 प्लॉट का बना, मैंने कहा तो 3 है, तो कह रहे हैं कि हमने 2-2 खाई है और मैं एक भी नहीं खा सका, मैंने आधी खाई है, इन्होंने 2-2 खा ली। सलाम है आपका, तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पिलाई बहुत अच्छी चाय और चाय पिलाई मोहब्बत के लिए भी शुक्रिया, इंशाल्लाह वीडियो से आपको फायदा होगा, रमज़ान में ये अपलोड होगी चैनल पर। और आपकी मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि आपने रमज़ान के लिए एम्पैथी सोचा, बहुत बहुत बड़े रेस्टोरेंट को गिरने वाले होते हैं जो कि ये बात नहीं सोचते आपने, तो अल्लाह पाक आपके बिजनेस में बरकत फरमाए। तो अभी हम जा रहे हैं ब्लॉग को भी खत्म करते हैं भाई, और मुझे दें इजाज़त तब तक के लिए, अल्लाह ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका एड्रेस क्या है इस थैले का? पुलिस लाइन हेडक्वार्टर मोहम्मद अली कैंटीन। अच्छा, तो इमाम बार का इनका ओनर कौन है? आप हैं या आए चाचा? आप ही हैं। मछली जो होती है वो साथ तरीके से इन्होंने बट रहती हैं होती है, मैं आपको दिखाता हूँ फरहान का ये फैमिली रोड।